घर जो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल होता है, हम अपने काम और डे टू डे लाइफ के लिए अपने घर से तो कोसों दूर चले जाते हैं, बट एट दी एंड जो सबसे ज़्यादा याद आता है वो होता है हमारा अपना घर। मैं रहती तो हूँ बैंगलोर में, बट मेरा अपना घर है जमशेदपुर में। जमशेदपुर से बाहर निकल के सबसे पहले मैं गई कोलकाता, जहाँ मैंने अपने लाइफ के 5 साल बिताए हैं, जो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि सबसे पहले निकल के मैं रहने के लिए कोलकाता ही गई थी, वो भी अकेले। सो आज मैं आपको एक सफ़र पे लेके चल रही हूँ, जो है जमशेदपुर से कोलकाता तक का सफ़र, विच मीन्स टाटा नगर स्टेशन से हावड़ा स्टेशन तक का सफ़र। तो चलो इस सफ़र को हम साथ मिल के तय करते हैं। ग्यारह में जमशेद जी नुसरवान जी टाटा ने एक स्टील प्लांट की स्थापना की। इससे शहर में काफ़ी तरक्की हुई, लोगों को रोज़गार मिले और इसी वजह से 1919 में साक्ची से बदल के इस शहर का नाम जमशेदपुर रखा गया और उसी तरह कालीमाटी स्टेशन से बदल कर इस स्टेशन का नाम टाटा नगर जंक्शन रखा गया। आज मैं जिस ट्रेन से इस सफ़र को तय करने जा रही हूँ, उस ट्रेन का नाम भी इस शहर से जुड़ा हुआ है, जो है स्टील एक्सप्रेस। 53 इयर्स पुरानी ये ट्रेन चालू हुई है 53 इयर्स पहले, 1 अप्रैल 1970 को स्टील एक्सप्रेस टाटा नगर जंक्शन से हावड़ा जंक्शन के लिए चालू किया गया था। इन 53 इयर्स में ट्रेन में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं एंड शॉर्ट डिस्टेंस के हिसाब से ये ट्रेन काफ़ी अच्छा और क्लीन रहता है। पहले से ही विंडो सीट बुक करने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपनी सीट पर और ये आगे में फुटरेस्ट का भी जगह है, प्लस बॉटल वगैरह रख भी सकते हो आप। तो ट्रेन चालू हो चुकी है, पहले सिर्फ मेरा बैग वहाँ पे था, अब इतने सारे बैग भर चुके हैं क्योंकि मैं पहले ही पहुँच गई थी। मैं नहीं चाहती कि ये सफ़र आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनते हुए और नज़ारे देखते हुए ही बता दो, इसलिए थोड़ी बहुत आपको जमशेदपुर के बारे में मैं जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी, जो शायद आप लोगों को पता हो और शायद ना पता हो। 3 मार्च, जो जमशेदपुर में रहने वाले हर इंसान को पता होगा कि क्या है ये 3 मार्च और क्यों इम्पोर्टेंट है जमशेदपुर में रहने वालों के लिए। 3 मार्च 1839 को जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ था और ये शहर भी उन्हीं के नाम से है, इसी वजह से 3 मार्च को संस्थापक दिवस मनाया जाता है हर साल और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। टाटा ग्रुप की कई सारी इंडस्ट्रीज जमशेदपुर में हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, टिन प्लेट, टाटा स्टील, TRF, अग्रिको, भारत ऑक्सीजन गैसेस एट्सेट्रा। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको जमशेदपुर में घूमने के कई सारे जगह मिलेंगे, जैसे कि दलमा लेक, दलमा पहाड़, जुबली पार्क, कला मंदिर, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, जुबली लेक, भुवनेश्वरी टेम्पल, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रूसी मोदी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एट्सेट्रा। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आप जा सकते हो, जैसे कि टेल्को में बना हुआ साईं मंदिर, सोनारी में बना हुआ लोटस साईं मंदिर, साक्ची गुरुद्वारा, साक्ची मार्केट, बिस्टपुर मार्केट, गोल्ड पहाड़ी मंदिर, रंकिणी मंदिर, भाटिया पार्क, मरीन ड्राइव एट्सेट्रा। और भी बहुत सारी जगह होंगी जो अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रही है आपको बताने के लिए, बट आप
चेक कर सकते हो अपने फ्रेंड से, और मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो कि और कौन कौन सी जगह है जो मैंने मिस कर दी है यहाँ बताने में। आपने तो खाने के बारे में बहुत सुना होगा कि कोलकाता में जितनी वैरायटी है, कोलकाता का जो खाना है वो काफ़ी फेमस है, बट ऑनेस्टली बताना, सभी को अपने अपने शहर का खाना ही सबसे बेस्ट लगता है। उसी तरह मुझे भी अपने शहर का खाना ही सबसे बेस्ट लगता है, और कोलकाता में इतने साल रहने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर की अच्छी लगती है और कहीं की भी नहीं। तो बात जब कोलकाता की हुई है तो सबसे पहला नाम आता है फुचका दिमाग में, बट एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा गोलगप्पे जमशेदपुर के ही पसंद है। इसे गोलगप्पे या पानीपुरी कहते हैं हम जमशेदपुर में, नहीं तो अगर आप सूखी वाली ले रहे हो तो पापड़ी कहते हैं। पीली वाली मटर और आलू के साथ मिक्स करके जो इसका मसाला बनाया जाता है ना, वो टेस्ट मुझे कहीं और नहीं मिला है। मैंने और भी दूसरे शहरों के भी गोलगप्पे ट्राई किए हैं, बट हाँ ये सच है कि हर किसी को अपने शहर वाला टेस्ट ही पसंद है, ये बात सच है ना। मैंने देखा ही नहीं कि बातों ही बातों में हम पहुंच गए हैं चाकुलिया, और दो स्टेशन ऑलरेडी पार हो चुका है इससे पहले। तो चाकुलिया में ना मुझे ये एक बैग दिखा जो ऐवे ही पड़ा हुआ था काफ़ी देर तक, बट कोई था नहीं इसके आसपास। थोड़ा तो अजीब सा लग रहा था इसलिए मैंने इसका वीडियो ले लिया, मुझे नहीं पता इसमें क्या था और मैं किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत कम था वहाँ पर रुकने का। तो हो सकता है शायद मेरे दिमाग में गलत थॉट्स आए हो और ये किसी का एक्चुअली में बैग होगा जो शायद वॉशरूम वगैरह करने के लिए गया हो। चलो अब बात करते हैं वो दूसरी ऐसी चीज़, ऐसे खाने की चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है जमशेदपुर की, वो है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा की बात करते करते हम गिधनी पहुँच गए हैं, और लिट्टी चोखा जब बात आती है तो आप लोग यही सोचोगे कि यार ये तो बिहार की फेमस डिश है, बट क्या आप लोगों को पता है कि बिहार झारखंड एक ही स्टेट था पहले, जो 15 नवंबर 2000 को सेपरेट हो गया, बिहार अलग और झारखंड अलग। इसी वजह से बिहार की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, फेमस चीज़ें हैं जो खाने को आपको झारखंड में भी मिल जाएगी। बहुत सारे बिहारीज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे झारखंड में, बिकॉज बिहार झारखंड एक ही था, तो इसीलिए हम लोग अलग समझते भी नहीं हैं अब भी। इवन 2000 में सेपरेशन के बावजूद बिहार और झारखंड में रोमिंग फ्री था, मतलब अगर आप झारखंड का सिम लेते हो और बिहार में जाते हो तब भी आपको रोमिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। तो 2017 से एक्चुअली चालू हुआ ऑल ओवर इंडिया में रोमिंग फ्री, बट जो कि बिहार झारखंड एक ही स्टेट था पहले, इस वजह से मतलब यहाँ से वहाँ जाओ या वहाँ से यहाँ आओ तो रोमिंग के कोई भी चार्जेस नहीं लगते थे। तो अब हम पहुँच गए हैं झारग्राम, और मैं लिट्टी की जो बात करी थी, अगर आप जमशेदपुर आते हो और सुरेंद्र कीवट की लिट्टी नहीं खाई तो फिर क्या ही खाया। तो जमशेदपुर के साक्ची में एक्चुअली फेमस है, काफ़ी पुरानी है सुरेंद्र केवट, और लिट्टी पता है आपको 30 रुपये में घी वाली लिट्टी मिल जाती है दो। अब पता नहीं अगर प्राइस और रेट हाई हो गया होगा तो नहीं पता, वो तो दो दिन में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है। मैंने लास्ट 30 रुपये में घी वाली दो लिट्टी खाई है जो कि बहुत अच्छी है। बैंगलोर में भी मुझे एक्चुअली में लिट्टी चोखा यहाँ पर भी मिल गया जो 70 रुपये की दो आती है, बट इट्स क्वाइट टेस्टी। लेकिन कंपैरिजन वही करो कि 70 रुपये में दो, 30 रुपये में दो, तो फिर क्या ही है। बहुत बुरा लगता है जब ट्रेन ऐसे क्रॉसिंग पे खड़ी हो जाती हो और काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है लोगों का, क्योंकि क्रॉसिंग से तो पार हो जानी चाहिए थी लेकिन 20 मिनट तक ट्रेन ऐसे ही खड़ी थी क्रॉसिंग पे, लोगों का इतना टाइम ख़राब हो रहा था। पर ऑब्वियस सी बात है कि आगे कोई और ट्रेन होगी, इसी वजह से ये ट्रेन काफ़ी देर तक खड़ी रही, लोगों का थोड़ा टाइम ख़राब हुआ, तो मैंने थोड़ा वीडियो भी ले लिया उनका टाइम ख़राब होने का। चलो अब एक तारीफ मैं करूँगी कोलकाता की खाने की, विच इज़ बिरयानी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जमशेदपुर में बिरयानी अच्छी नहीं मिलती है, अब तो थोड़ी बहुत मिलने भी लग गई है, पहले तो बस कहीं कहीं मिल जाती थी। बट कोलकाता में जो मैंने बिरयानी खाया है, विच इज़ कोलकाता फेमस कोलकाता बिरयानी, तो जिसमें आलू पड़ता है, मुझे तो सच में काफ़ी पसंद है। आलू, अंडा, चिकन सब मिला के ही देते हैं, अदरवाइज दूसरी जगह जाओगे तो आपको बिरयानी में आलू नहीं मिलता है, तो आलू मिला तो सब यही कहेंगे कि कोलकाता बिरयानी है।
मेरा घर जमशेदपुर में टेलको एरिया में पड़ता है, तो अगर आप भी टेलको कभी आते हो या रहते हो उस तरफ या नहीं रहते हो और आना चाहते हो, तो सुबह सुबह अराउंड 6 बजे से चालू हो जाता है खड़ंगा जार में छोले भटूरे, बहुत फेमस, बहुत टेस्टी है। 25 रुपये के 2 छोले भटूरे देते हैं और सच में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है उसका। इवन मैंने दूसरे जगहों में भी जमशेदपुर के ट्राई किया है छोले भटूरे, बट उसके जैसा टेस्ट मुझे कहीं और नहीं मिला। तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करना खड़ंगा जार के छोले भटूरे। माधुरी दीक्षित का सबसे बड़ा फैन हमारे जमशेदपुर में है, अब ये नहीं कह सकती हूँ कि वो ही सबसे बड़ा है या कोई और भी है, बट हाँ वो काफ़ी बड़ा फ़ैन है और वो माधुरी दीक्षित से भी मिल चुके हैं, जिनका नाम है पप्पू चाट। एक्चुअली वो पप्पू चाट से अब मनोहर चाट भी उनका नाम हो चुका है चेंज, बिकॉज मे बी उनका पेट नेम होगा पप्पू, अब उन्होंने अपना नाम रख लिया मनोहर। तो मनोहर चाट अगर आपने नहीं खाया तो ज़रूर ट्राई करना, साक्ची में है, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना है। और अगर माधुरी दीक्षित की कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है ना, तो वो बच्चों को ले जाते हैं पूरा हॉल बुक करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाने के लिए। तो अगर आप जमशेदपुर आओ पप्पू चाट ज़रूर ट्राई करो। चलो इतना तो मैंने बता दिया, अगर आपके दिमाग में भी कुछ है या कुछ ऐसी चीज़ है जो जमशेदपुर में फेमस है या खाने में फेमस है या और भी कुछ जमशेदपुर के बारे में जो आप बताना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो, और नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे बायो पे मिल जाएगा, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, और आप वहाँ जाके मुझे प्लीज़ मैसेज करना जमशेदपुर और या तो फिर आप अपने शहर की फेमस चीज़ों के बारे में, मैं उसे पढ़ना ज़रूर पसंद करूँगी। बातों ही बातों में मैं पहुंच चुकी हूँ हावड़ा, जैसा कि आप देख सकते हो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरी बातें थोड़ी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, कुछ दिल पे है तो कमेंट ज़रूर करना, हाँ गाली गलौज मत करना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो हम करते हैं अलविदा, और आप देखते रहिए कोलकाता के कुछ नज़ारे।